और गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार की स्टेटस वीडियो। सो गाइस अगर आप इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी। पहला है पिक्सल लैब, दूसरा है काइन मास्टर। पिक्सल लैब ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और काइन मास्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस बट उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं है तो एक लाइक कर दिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हमारा पहला जो काम हो वो पिक्सल लैब ऐप में होगा। तो हमें पिक्सल लैब ऐप में आ जाना है इस प्रकार से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कैंसिल कर देना है और यहाँ पे जाना है, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ ये जो ऑप्शन दिखा देगा ट्रांसपेरेंट ऐसे लिखा है, इस पर क्लिक करके और फिर आपको टैक्स में जाना है और ये वाला टैक्स को डिलीट कर देना है यहाँ से। फिर आपको ये वाला बीच वाले में जाना है, ओके गाइस। और गाइस बीच वाले में जाने के बाद आपको इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला इमेज को इम्पोर्ट करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस मैं यहाँ से एड कर लेता हूँ। इस प्रकार से आपको एड करना है इस प्रकार से और एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इसका टेक्सचर में जाना है, ओके गाइस। टेक्सचर में जाने के बाद यहाँ इमेज सेलेक्ट करना है और जो आपका इमेज है अपनी इमेज को यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो गाइस मैं अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो गाइस ये रहा हमारा इमेज, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से अपने इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इसका जो स्टॉक है इसको ऑन कर देना है और स्टॉक ऑन करने के बाद यहाँ से स्टॉक कलर वाइट रख लेना है। इसका शैडो भी आप ऑन कर लेना और शैडो कलर आप ब्लू रखना इस हिसाब से, ओके गाइस। फिर आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सेव एज इमेज, इस पर क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपका जो इमेज है वो सेव हो जाएगा। सो गाइस हमारा जो पिक्सल लैब का काम हो गया है, अब आगे काम है हमारा काइन मास्टर ऐप में। तो चलता है काइन मास्टर ऐप में। तो गाइस मैं आ गया हूँ काइन मास्टर में। काइन मास्टर में आने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ से विजुअल साइज को सिलेक्ट करना है। फिर आपको जाना है मीडिया में और जो भी आपका इमेज है उसको सिलेक्ट करना है। और गाइस वही वाला इमेज को सिलेक्ट करना है जिसको आपने वहाँ पे ऐड किया था। तो वही वाला इमेज को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये रहा मेरा इमेज, मैंने इसको ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो। उसका क्रॉप में जाना है, इक्वल कर देना है, इस प्रकार से साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर इसका लेंथ इस प्रकार से बढ़ा देना है। फिर आपको लेयर पर क्लिक करना है, एफएक्स पर क्लिक करना है, ये जो बेसिक इफेक्ट दिखाई देगा इस पर क्लिक करना है और ये जो फर्स्ट वाला बलर है इसको सिलेक्ट करके इसका साइज इस प्रकार से बढ़ा देना है। और यहाँ सेटिंग में जाना है, इसका जो बलर है उसको बढ़ा देना है, थोड़ा 4 के आसपास रख लेना है। इस प्रकार से हो गया, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला इमेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस प्रकार से रोटेट करना है और अच्छे से एडजस्ट करना है इस प्रकार से। सो गाइस इस प्रकार से आपको रोटेट करके अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैंने किया, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से कर लेना है और इसका लेंथ भी बढ़ा देना है, इस प्रकार से एंटर कर देना है लेंथ बढ़ा के। तो गाइज इस प्रकार से आपको एडजस्ट कर लेना है, इसका लेंथ इस प्रकार से बढ़ा देना है। यहाँ पे हो गया, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको अपने इमेज पे क्लिक करना है जो आपका मीडिया से सिलेक्ट किया था, कलर एडजस्टमेंट में जाना है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा घटा देना है इस प्रकार से। और ये वाला इमेज को सिलेक्ट करना है, इसका जो सेचुरेशन है इसको बढ़ा देना है इस प्रकार से, ओके गाइज। इस प्रकार सेचुरेशन मैंने बढ़ा दिया, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से हो गया है। अब आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से ये वाला इमेज को एड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मैंने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, इस प्रकार साइज बढ़ाना है आपको। इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जाना है, उसको स्क्रीन कर देना है और इसका लेंथ इस प्रकार से बढ़ा देना है और साइज को कुछ इस प्रकार से बड़ा करना है इस प्रकार से। और यहाँ पे एडजस्ट कर देना है, 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है, हो गया, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से जो लाइट इफेक्ट वाली वीडियो को एड करना है। तो इसमें इसको एड कर लेता हूँ पहले। सो गाइस मैंने एड कर लिया, आप लोग देख सकते हो। फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके डन कर देना है। इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन जाना है, उसको स्क्रीन कर देना है इस प्रकार से। सो गाइस हमारा वीडियो स्क्रीन हो गया, आप लोग देख सकते हो। अब आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, फिर से ये वाला इफेक्ट को ऐड करना है। सो गाइस मैं ऐड कर लेता हूँ। आपको ऐड करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देना है, इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, उसको स्क्रीन कर देना है। सो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से हो गया है। अब आपको लेयर पर क्लिक करना है। सो गाइस उसके बाद आपको लेयर पर क्लिक करना है और मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से लेरिस वाली वीडियो को ऐड करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस मैंने ऐड कर लिया, आप लोग देख सकते हो। फिर इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और स्क्रीन करना है और यहाँ से इसको नीचे लेके आना है, यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। जैसे आप लोग देख सकते हो मैंने एडजस्ट कर दिया, आप लोग देख सकते हो। इस प्रकार से आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसका कलर फिल्टर में जाना है और सैचुरेशन को बढ़ा देना है और कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देना है ताकि ये अच्छे से दिखाई दे, ओके गाइस। सो गाइस हमारा वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइस इस प्रकार से वीडियो बन गई है, उसके बाद आपको कुछ अब आपको कुछ भी नहीं करना है, शेयर करके उन पर क्लिक करना है और अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। सो गाइस आज का वीडियो, होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो।
वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और भी ऐसे स्टेटस वीडियो एडिटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम।